हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुलकंद बनाएंगे। गुलकंद के लिए हमने एक बाउल में हमने देसी गुलाब लिए हैं। इसमें देसी गुलाब ही चाहिए और एकदम फ्रेश होने चाहिए। इसको मैंने धो के सुखा दिए, मतलब कपड़े पे, धूप में नहीं सुखाए। इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब गुलकंद के कई फायदे हैं। ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, ये पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। इससे इसके नियमित सेवन से अपना आँखों की जलन होती है वो भी दूर होती है, मुंह के छाले भी दूर होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसको अधिकतर गर्मियों में खाते हैं। सारी गुलाब की पत्तियाँ हमने बारीक बारीक काट ली है। अब हम एक सूखी कांच की बोतल लेंगे। इसको प्लास्टिक की बोतल में मत बनाना, कांच के बर्तन में ही बनाना। कांच का बर्तन लेंगे, उसमें हम सारे गुलाब के फूल जो हमने कटिंग कर रखी सारे डाल देंगे। हमने एक बाउल गुलाब की पत्तियां ली थी, आधा बाउल शक्कर लेंगे। गुलाब की पत्तियों में इसको डाल देंगे। एक के करीब हम सौंफ डालेंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ऐसे मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 4-5 दिन तक धूप में रखेंगे और दिन में एक बार इसको हम हिलाएंगे। और इसमें गीला चम्मच या कुछ भी नहीं डालना, एकदम सूखा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। गुलकंद को धूप में रख के 3 दिन हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, कितना अच्छा बना है। देखो, गुलकंद बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें कि आपको ये कैसी लगी।